सलामो जी, मैं हूं आपका उस्मान जाहिद बट, और ऑस्ट्रेलिया फिर से कमबैक कर रहा है और 5 दफ़ा के माइटी वर्ल्ड चैंपियन, मतलब 5 दफ़ा, और आप 6 दफ़ा भी बांध सकते हैं। लोगों से जानते हैं कि वो इंडिया की तरफ है या ऑस्ट्रेलिया की तरफ, क्योंकि अपनी तरफ रहने का कोई जवाब नहीं बनता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान, चलो उसकी बात ही नहीं करते, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हो रहा है, मतलब वो कमबैक कर रहा है तो अच्छी बात है, कर रहा है सिंगर नहीं ऑस्ट्रेलिया का हो गया तो अच्छी बात है ना, हो गया कम से कम वो अपने जो उनकी जो कंट्री है उनको जो पे कर रही है उसका कोई तो वो रोटी लाल करके घर जाए ना। हाँ यार, ऑस्ट्रेलिया 5 दफ़ा का वर्ल्ड चैंपियन है, इंडिया 2 दफ़ा का, तो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आके वर्ल्ड कप लेकर चला जाएगा। वैसे अगर इंडिया ने घर ही रखना है वर्ल्ड कप तो रहने देता ना, अरेंज करता, तो अगर किसी को देना है तो मेहरबानी उसकी, ठीक है भाई, वो ऑस्ट्रेलिया ले ले तो, या कोई चलो शायद पाकिस्तान भी ले ले। इंडिया के पास ऐसा क्या है, मतलब विराट कोहली, शुभमन गिल, इतने इतने बड़े बैट्समैन, वो कहाँ से निकाल रहे हैं, मतलब जमीन से खोद कर निकाल रहे हैं? नहीं, वो अपने टैलेंट की कदर करते हैं, अपने टैलेंट को प्रमोट करते हैं, अपने टैलेंट की कदर करते हैं, अपने टैलेंट के लिए फाइट करते हैं वो लोग। हम लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं है, इसीलिए उनका जो टैलेंट है वो बहुत कम अरसे में मुंह चढ़ बोलना, वो चीज़ है सर चढ़ के बोलना शुरू हो जाता है, बंगाल का जादू चल जाता है, तो वो ये चीज़ उसके अंदर, उनके अंदर है। वो अपने सोशल मीडिया के ज़रिए और जो हुकूमत है, जो एक छोटा छोटा बच्चा जो है वो उस ट्रेंड को चला देता है कि उनका जो सपोर्टर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उनका मोराल आप आ जाता है। हमारे लड़के हैं, मतलब बाबर, अच्छा ट्रेंड तो हमारे भी चलते हैं कि बाबर किंग है, वो लोग कह रहे हैं वो प्लास्टिक का किंग है, और ये क्या हो रहा है? नहीं, वो तो माशाल्लाह से मॉडल है ना, बड़े क्लास के, बड़े मज़े के, आपने देखा नहीं पेप्सी पे फोटो आ रही है, मोबाइल्स पे आ रही है, तो वो तो मॉडल है ना, हम उनको सपोर्ट नहीं करते, वो आप ही मॉडलिंग करके हिट हो जाते हैं। तो हाँ, मॉडलिंग शॉडलिंग करके चलो जी, अल्लाह खैर सलाह। वैसे आपका मतलब फेवरेट प्लेयर कौन सा है इंडिया में, अगर पूछा जाए कि इंडिया में कोई फेवरेट प्लेयर है? अब मैं बेसिकली अब जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो मुझे विराट ही पसंद है, और तो नहीं 2010 से जो भी है, लेकिन अभी वो खेल रहे हैं। सही टाइम पे शादी हुई थी, हमारे जितने बच्चे होते जो पहले वाले थे, मीन के जब वसीम अकरम के दौर के चलते आ रहे हैं, वो क्या नाम था उनका, सचिन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन, वो पसंद थे, लेकिन अब जो अब के में सिर्फ विराट का ही है थोड़ा सा। हैंडसम है, बाबर कहते मैं भी हैंडसम, हैंडपम्प मैं भी हैंडसम। अच्छा बाबर, उनकी गाड़ी की विंड स्क्रीन के ऊपर कोई विराट कोहली लिख के चला? सही बात, वो जिस कहते हैं ना चामनी प्यारा होंदा, कम प्यारा होंदा, ठीक है ना, कि बाबर आजम का जो कम चंगा होएगा तो चम भी सोना लगेगा, तो जो कम ही कोई नहीं तो चम भी भैड़ा ही लगेगा। हार्दिक पांड्या भी है ना, वो भी रेसिज्म नहीं करना चाहिए, सामने से, लेकिन फिर भी लोग उनको लाइक करते हैं, तो बाबर भी कोई अच्छा काम करे लोग लाइक करें। वेस्ट इंडीज का एक खिलाड़ी था, वो डांस करता होता था बड़ा, वेस्ट इंडीज में आपको पता है हुसन तो वैसे डुल गया हुआ है, लेकिन ये है कि जब वो अपना अपना जो बैकअप करते हैं, जब वो काम करते हैं तो हमें वो भी अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। तो बात यह है कि वही वाली बात आ रही थी ना कि बाबर आजम कम चंगे करे था तो चम भी सोना लगेगा, नहीं करता ही नहीं कम चंगे तो फिर सानू बस सह नहीं दो। मैं कहने के बाबर आजम से गाड़ी वापस ले लीजिए। आप रोहित शर्मा कितना लग रहे हैं? थैंक यू सर जी, वाकई आप रोहित शर्मा लग रहे हैं, बड़ा भाई है मेरा, बड़े भाई हैं। तो वीजा किसने दिया आपको? अच्छा मतलब मजे की बात है, इतना तो पता है ऑस्ट्रेलिया है 5 दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है, तो अब इंडिया में वो परफॉर्म करा, तो इंडिया या ऑस्ट्रेलिया कोई एक टेक बता दो, कौन पसंद है? ऑस्ट्रेलिया। इंडिया नहीं पसंद यार, अभी तो रोहित शर्मा के बड़े भाई और छोटे भाई, तो क्या शर्मा जी ने खिलाया नहीं? क्या चक्कर है? और ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा पसंद है? ऑस्ट्रेलिया ठीक है यार, इंडिया से ठीक है। हाँ। दुश्मनी नहीं, वो भी भाई हैं यार हमारे, वही भाई हैं। बाबर आजम की जो गाड़ी है उसकी विंड स्क्रीन के ऊपर कोई विराट कोहली लिख के चला गया, क्या लिखे चला गया रात को? विराट कोहली, रात को नहीं, विराट कोहली लिख के चला गया कोई उसको स्क्रीन वो जो, और उसने इट्रो जिटी ली उसके ऊपर, शायद कोई लिख के चला गया हो, इसी बात हम क्या, वो उसको पता होगा क्या बात है। वो कभी कभी कहता है मेरे माथे के ऊपर टैटू करा रहे हैं। बाबर आजम कह रहा है? अच्छा विराट कोहली का टैटू मेरे माथे पे? हम कहते हैं माथे पे चाहिए, होना चाहिए फिर उसके माथे पे नहीं, उसके जगह जगह पे होना चाहिए विराट कोहली का टैटू। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया ने तबाही मचा दी है, लग रहा है इंडिया के हाथ से वर्ल्ड कप गया। ऐसा नहीं हो सकता, इंडिया नहीं जीतना वर्ल्ड कप भाई। इंडिया नहीं क्यों जीतना है, सबको इंडिया को, इंडिया सपोर्ट क्यों कर रहे सर इंडिया को, हम खड़े पाकिस्तान में हुए। क्योंकि इंडिया भाई जी कोई मैच नहीं हारा है, और इंडिया की इस टाइम जो परफॉर्मेंस है वो पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा बेस्ट जा रही है। ऐसा तो नहीं कि वो सारा साल IPL खेलते हैं, इस वजह से उनको आदत हो गई अपने पिछों की? भाई हम भी तो खेलते हैं PSL, PSL तो हम भी खेलते हैं, ठीक है भाई, नंगा कर रहे हैं हमें जी, PSL तो हम भी खेलते हैं, हम बाहर के मुल्कों में जाकर लीगें भी खेलते हैं, वहाँ पे तो हम अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन यहाँ पता चला, यहाँ वर्ल्ड कप में पता चलना था ना कि अच्छी परफॉर्मेंस कौन देता है और कौन, इंडिया ने दिखाया दुनिया को कि हम सबसे बेस्ट हैं। और सबसे बड़ा मसला कि यार ये PSL में छक्के मारते हैं, यही प्लेयर जब जाते हैं वर्ल्ड कप में तो पूरे टूर्नामेंट में एक छक्का भी नहीं लगता, ये क्या चक्कर है? बस भाई वो ये है कि PSL में इनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है यार, वैसे ही मिलते हैं 61 लाख रुपया सैलरी है भाई, 61 लाख रुपया तो है ठीक है, लेकिन PSL में इनको और बहुत स्पॉन्सर होते हैं,
और अपनी वो ये होता है कि PSL में अगर इधर बाबर आजम बैटिंग कर रहा है तो उधर जो है ना वो बॉलिंग RS रऊफ कर रहा है। दोस्ती ठीक है, वो जैसी उसकी बॉलिंग होती है वैसी फिर इनकी बैटिंग होती है। अब पता तो अब चलता है ना कि इधर बाबर आजम बैटिंग कर रहा है और आगे जो है वो बुमराह ठीक है, और वो दूसरे और जो उनके बॉलर्स हैं वो फास्ट बॉलर वो बॉलिंग करते हैं, तब पता चलता है कि ये कितने पानी में है। हाँ, एक ऐसे निकलती है और ऐसे निकलते हैं। बाबर आजम पीछे बता के आ रहा होता है कि मैं बस अभी आया और वापस आ रहा, तो क्या होता है प्रोग्राम तो बढ़ गया, बिल्कुल प्रोग्राम तो बढ़ गया।